हेलो सर, बैक टू माय चैनल है तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे और होप करता हूँ माइक का आवाज़ अच्छा आ रहा होगा। काफ़ी दिनों व्लॉग आ रहा है, 11 दिन के बाद मैं शूट कर रहा हूँ। मैं सोचा था कि डेली व्लॉग बनाऊंगा, पर डेली व्लॉग में क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है रहेगा व्लॉग के अंदर, तो देखने के लिए मज़ा नहीं आएगा। इसलिए फिर मैं सोचा चलो जब इंटरेस्टिंग चीज़ आएगी तो तब वीडियो बनाएंगे। आज की डेट है ना 8 जून। आज अपने पास आ रही है महेंद्र थार। मैं अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं तो उस पर मैंने स्टोरी पे कुछ डाला था। अगर फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम पे जाके करो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और महेंद्र थार का मैंने ये डाला था प्राइस लिस्ट कितनी है, और उस पर नाम वगैरह था अपना। तो काफ़ी दिनों को लगा कि मैंने बुक कर दी गाड़ी, तो बुक नहीं की है, बट हम लोग देख रहे हैं, अभी टेस्ट ड्राइव है। और कल हम लोग ने सॉफ्ट टॉप देखा था, आज हार्ड टॉप देख रहे हैं। सॉफ्ट टॉप में कैसा बाहर का आवाज़ अंदर आ रहा है, तो मैंने बोला कि हार्ड टॉप देखते एक बार। तो अगर हार्ड टॉप में अच्छा रहा तो सोचते हैं, तो अभी आएगी थोड़ी देर में गाड़ी और फिर अपन निकलते हैं। थोड़ा बहुत रिव्यू भी देते हैं गाड़ी के बारे में, क्या अच्छा क्या बुरा लगा मुझे, और बस। अभी थोड़ा बहुत ऑफ रोड भी चेक किया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है गाड़ी का, बट वेटिंग भी है वैसी इधर पे, बहुत सारे फीचर भी है। और सेफ्टी फीचर है कि क्या जब तक गाड़ी रुकेगी नहीं तब तक ये चलेगा नहीं। मुझे आपको अगर मोबाइल पेयर करना है, फ़ोन पेयर करा है ब्लूटूथ, तो रुकाना पड़ेगा, फिर उसके में आप पेयर कर सकते हो। तो ये सेफ्टी फीचर है, बाकी सब बढ़िया ऑटोमेटिक है। 4x4 लगाया था अभी इधर पर, तो अच्छा खासा पावर भी है, और इधर मैनुअल में भी चला सकते हैं प्लस माइनस करके, तो अच्छी बात है। और स्पेस भी डिसेंट है, अच्छा खासा स्पेस है, पीछे भी स्पेस है। मेरे को लगा था 2 सीटर होगी तो पीछे स्पेस नहीं होगा, पर पीछे स्पेस है। अभी 4x4 इधर पर लगाया जाएगा। सो गाइस, अभी अच्छा खासा एक्सपीरियंस लिया है गाड़ी का, देखते हैं सोचते हैं। और ब्लैक कलर में आई थी थार, 4x4 भी टेस्ट कर लिया, सब कुछ ऑफ रोड वगैरह सब चेक कर लिया। सस्पेंशन मस्त है, मस्त बोलते ना, एकदम मस्त है। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है शाम के 6। मैंने इसके अंदर ब्लॉग कंटिन्यू किया, मैं गया थार के साथ उल्लासनगर, और काफ़ी अच्छी गाड़ी है। कुछ कुछ कमियां लगी मेरे को, और कुछ कुछ अच्छी भी है। लाइक ऑफ रोडिंग एकदम मस्त था, ऑफ रोड पर भी उसको थोड़ा लेके गए थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है ऑफ रोड के लिए। देखो, ऑफ रोडिंग गाड़ी है तो ऑफ रोड के लिए अच्छी होगी। और कुछ कुछ कमियाँ, जैसे कि स्पीकर थोड़ा बहुत एवरेज है, मतलब अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, तो एवरेज है। और लाइट्स भी एवरेज है, बट गाड़ी तो अच्छी है। देखो भाई, बहुत हाइटेड गाड़ी है, मेरे को चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मैं फॉर्मल पहना था, फॉर्मल पैंट में चढ़ना बहुत हार्ड है उसमें, बट गाड़ी तो एकदम मस्त है। सस्पेंशन भी अच्छा है, या इंजन वाइज भी गाड़ी अच्छी है। ऑटोमेटिक थी गाड़ी, तो ऑटोमेटिक जब गियर चेंज होता है तो समझता भी नहीं कि गियर चेंज हुआ है, तो अच्छा है। पावर भी काफ़ी अच्छा है, बस इतना ही बोलूँगा। अगर गाड़ी ली तो उसमें थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ेगा आफ्टर मार्केट, जैसे कि लाइट हो गई, लाइट में इतना ज़्यादा पावर नहीं है। उसके अंदर बैक जो सीट है उसमें साइड में एकदम कपड़ा लगा के दिया है, तो वो भी उधर पे आमरेस्ट या तो कुछ लगाना पड़ेगा, यूट्यूब वगैरह चलाना है गाड़ी के अंदर, स्क्रीन लगाना पड़ेगी, तो थोड़े बहुत खर्चे हैं, बट गाड़ी एकदम मस्त है, बस इतना बोलूँगा। और थार का वेटिंग भी ज़्यादा है और प्राइस भी ज़्यादा है, 18 लाख की ऑन रोड।
मैनुअल डीजल ऑटोमेटिक शायद से ज़्यादा है। मेरे को कोटेशन दिया था तो वो मैं आपको गाड़ी में कोटेशन मैं आपको दिखा दूंगा, ऐसा दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये कोटेशन था तो कुछ 1842 की गाड़ी है ऑन रोड, बाकी एसेसरीज लोगे वगैरह वो सब तो जाते ही है। तो 20 लाख है जेब में तो थार ले सकते हो। दूसरा भी ऑप्शन है लाइक फॉर्च्यूनर सेकेंड हैंड के लिए जा सकते हो उतने पैसे दे के, पर फॉर्च्यूनर के साथ उसका अलग ही डायरेक्ट बोलते ना पब्लिक इमेज ही अलग है। तो ठीक है, मैंने स्टोरी पे डाला था कोटेशन थार का जो मॉडल में एलेक्स मॉडल का, तो सबको ऐसा लग रहा है कि मैंने बुक कर दी, बुक नहीं की है, सिर्फ कोटेशन है वो बुक। सोचेंगे देखेंगे, टाइम है उसके लिए, देखो 1 साल की वेटिंग है, तो देखते हैं आने वाले वीडियो में समझ जाएगा क्या है क्या नहीं।